तो बच्चों अब हम झा से कुछ नया बनाने वाले हैं। झा से क्या नया बन सकता है, तो झा से भी हम ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं झा से हम क्या बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इस प्रकार हमने झा से झाड़ी बनाई है। झा अक्षर को इस्तेमाल करते हुए झा से झाड़ी। अब देखते हैं झा से हम अन्य क्या चीज़ बना सकते हैं, तो अभी देखेंगे। ये है हमारा झा से झरना। तो बच्चों अभी आपने देखा हमने झा से झरना बनाया।
अब हम जहाँ से कुछ नया बनाने वाले हैं, तो आइए देखते हैं जहाँ से और क्या बन सकता है। तो बच्चों, देखा आपने, हमने जहाँ से कितनी सारी चीज़ें बनाई, जहाँ से हमने झाड़ी बनाई, जहाँ से हमने झरना बनाया, और आखिर में हमने जहाँ से झोपड़ी बनाई। तो ये जहाँ जो अक्षर है उसकी आकृति से हम खेल सकते हैं, हम उसकी आकृति से प्ले कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जहाँ को ही मटके का रूप दे दिया था इस आकृति को। इसके अलावा हमने जहाँ से और भी इसमें कुछ डिज़ाइन किया। तो आप भी ट्राई करिए, बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने वाला है। इसको मज़ा लेके करना है तो बहुत ही आगे तक आप काम कर सकते हो, बहुत सारी राहें आपकी खुल सकती हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा।